हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग बाय सुधा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कप बारीक वाली सूजी। वेट में ये 175 ग्राम से सूजी, आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें हाफ कप दही डालेंगे। वेट में 125 ग्राम से हाफ कप हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा कि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो हम इसे कवर करके रख देते हैं साइड में। चलिए देखते हैं, 10 मिनट हो गए हैं और सूजी जो है बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। यानी अगर आप 1/4 कप पानी ले रहे हैं तो उसका हाफ पानी हमें इसमें डालना है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। यानी 1 से 2 मिनट इसे फेंट लेना है, जिससे ये बैटर जो है स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल लेंगे और बैटर को फॉर्मेंट करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसकी जगह आप इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्के हाथों से हल्का सा हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर को मैंने हल्के हाथों से हल्का सा मिक्स कर लिया है। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हमें जो है थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप इधर। तो पहले अपम पैन को जो है हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद जो है इसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसके मोल्ड में हाफ हाफ चम्मच जो हमें बैटर को डालना है। यानी जो अपम का मोल्ड है ये हमें पूरा नहीं फिल करना है, हाफ हाफ बैटर ही डालेंगे। फ्लेम को हम यहाँ लो रखेंगे और इसे कवर करके पकने देंगे। 1.5 से 2 मिनट के बाद देखेंगे कि ये जो अपे हैं ऊपर से ड्राई हो गए हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है इस प्रकार से लगा देंगे। इसके बाद जो है हम इन्हें पलट देंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से जो ये अपे हैं वो पक गए हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी इन्हें पका लेंगे। तो इसे अब हम कवर कर देंगे। 1.5 से 2 मिनट के बाद देखेंगे कि ये जो अपे हैं दूसरे साइड से भी अच्छे से पक गए हैं। छोटे साइज़ के अपे हैं तो 3 से 4 मिनट में जो है अच्छे से पक जाते हैं। तो सारे अपे मैं निकाल लेती हूँ। इसी प्रकार से सारे अपे जो है मैं बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे अपे जो है बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही मूँगफली की चटनी या नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन हम इन्हें थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई मैंने रख दी। हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा छोटा चम्मच राई और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। राई जब चटकने लगेगी तब 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। फ्लेम को हम मीडियम या लो टू मीडियम रखेंगे। साथ में हम थोड़े से करी लीव्स डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज को यहाँ हमें हल्का सा पकाना है, यानी ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना। तो ये देखिए प्याज जो है हल्का सा पक गया है। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे। 1 छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेंगे। फिर सब्जियाँ जो है आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। आप ग्रेट करके गाजर डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल सकते हैं। तो यहाँ सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट ही मैंने पकाया। अब इसमें मैगी का मसाला मैजिक डाल लेंगे। इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसकी जगह जो आप सिंपल मसाले भी डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। नमक कितना डालना है, जितनी हम सब्जियाँ यूज़ करेंगे। बस इसे 1 से 1.5 मिनट हमें पका लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट पका लिया। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 1/2 बड़ा चम्मच चिली सॉस डालेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप 1 बड़ा चम्मच भी चिली सॉस डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा इन्हें 1 मिनट और पका लेना। इसके बाद ये अपे जो है इसी में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो ये आपको जो है 10 रुपीज़ का एक पाउच मिल जाएगा, पूरा पाउच नहीं डालना है। 1 छोटा चम्मच डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और 1/2 चम्मच जो है इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये भी जो है आपको 10 रुपीज़ का पाउच मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए सूजी का चटपटा बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ।